वेलकम बैक दोस्तों टू स्पॉटलाइट विद दीपक चैनल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की। क्या भारत में कोरोना वायरस फरवरी 2021 में ख़त्म हो रहा है? जी हां दोस्तों, भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक एक्सपर्ट कमेटी पैनल ने यही दावा किया है। दोस्तों, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के ऊपर एक कमेटी बनाई थी, एक पैनल बनाया था एक्सपर्ट्स का, जिसमें डॉक्टर्स और साइंटिस्ट शामिल थे। उनकी एक रिपोर्ट अभी आई है मिड अक्टूबर में, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि भारत में कोरोना वायरस फरवरी 2021 तक ख़त्म हो सकता है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उनकी कमेटी की इस रिपोर्ट में जो उन्होंने सब कुछ लिखा है, उसके बारे में हम बातें करेंगे आज, जानेंगे कि क्या उन्होंने कहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत नॉर्मल लग रही हैं, आम चीज़ें हैं, हमें पता थी, लेकिन कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें उन्होंने बताई है, चौंकाने वाले दावे भी किए हैं जो हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। तो फिलहाल उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस के भारत में केसेस जो इस वक्त हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा हो सकते थे अगर लॉकडाउन समय पर ना किया गया होता। तो लॉकडाउन को कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन रहा है, और कम ज़्यादा कर तो भी मान लें कि भारत में भी ये चीज़ लोग अब मान ही रहे हैं कि लॉकडाउन का फ़ायदा तो हुआ ही है। लॉकडाउन के फायदे के अलावा उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी योगदान बताया है कोरोना के केसेस को रोकने के लिए। ये कुछ आम बातें हैं जो जनरली हम सब लोगों को पता है, लेकिन कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें भी उन्होंने कही हैं। जैसे कि एक चीज़ उन्होंने कही है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि इस वक्त भारत के लगभग 30% आबादी में कोरोना के इम्यूनिटी आ चुकी है, कोरोना के लिए इम्यूनिटी बन चुकी है भारत की 30% आबादी में। ये एक नई चीज़ है जो पहले नहीं कही गई। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि अभी भारत सितंबर में अपना कोरोना का पीक पार कर चुका है, क्योंकि काफ़ी समय से एक बात हो रही थी कि भारत में कोरोना का पीक आएगा कब, लेकिन इस एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत वो कोरोना का अपना पीक पार कर चुका है सितंबर महीने के मिड में। यानी कि अब अगर हमें कोरोना से आगे जाकर ठीक तरह से लड़ना है, तो वो लड़ाई हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ होगी कि हमें अपने आप को और देश को कोरोना में आने वाली एक सेकंड वेव से बचाना होगा, क्योंकि कई कंट्रीज़ में हम देख चुके हैं कि कोरोना एक बार आया, वहाँ से कम हुआ, लेकिन एक बार दोबारा से वो चला, उसने रफ्तार पकड़ी, जिसे कि सेकंड वेव ऑफ कोरोना कहते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। और एक चीज़ उन्होंने बताई है, क्योंकि आगे अब थोड़ा त्यौहार का सीज़न है, दशहरा है, दिवाली है, तो उस समय में हमें बिल्कुल भी कोरोना के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना बंद नहीं करना है। मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और सारे प्रॉपर हाइजीन हैबिट्स को हमने फॉलो करना है। एग्जाम्पल भी दिया है कमेटी ने अपने रिपोर्ट में। उन्होंने बताया है कि केरल में ओनम की सेलिब्रेशंस के दौरान लोगों ने जब सोशल डिस्टेंसिंग वाला फार्मूला पूरा अप्लाई नहीं किया, मास्क को थोड़ा हटाया, तो उसके बाद ओनम सेलिब्रेशंस के बाद केरला में कोरोना के केसों ने एकदम से बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ी है। तो एक्सपर्ट्स कमेटी ने यहाँ पे चिंता दिखाई है कि अगर दिवाली दशहरे के समय में देश में बाकी सब स्थानों पर भी इसी तरह की हम थोड़ी सी लापरवाही या ढील बरतेंगे, तो कोरोना का ग्राफ ऊपर जा सकता है। अब एक और उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ में बोली है, जो अब तक भारत सरकार की तरफ से नहीं बोली गई थी, वो ये कह रहे हैं तक कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड भारत में कोरोना का हुआ है। इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने थोड़ी बात करी है। साथ ही साथ आगे मौसम अब सर्दियों का है, और सर्दियों में भी कोरोना के स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा लग रहा है, तो उन्होंने एक एडवाइजरी ज़्यादा करी है कि इस समय हमें कोरोना से ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, तो फरवरी मिड तक उन्होंने एक आइडिया दिया है कि कोरोना भारत से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं उनके इस दावे में सच्चाई कितनी है, लेकिन फिलहाल कोरोना के ऊपर ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कोरोना भारत से फरवरी 2021 में समाप्त हो जाए, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि तब तक हम सब लोग कोरोना से निपटने वाले सारे उचित उपायों को जारी रखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।